सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम की जो प्राइसिंग है वो निकल के सामने आ चुका है। 6GB 64GB आप लोगों को मिलेगा 16,490 रुपीज़ में, यानी कि 16,500 रुपीज़ में आपको सैमसंग का M31 प्राइम मिल जाएगा। और अब ये जो स्मार्टफोन आ रहा है, इसके बाद लोगों के मन में तो कन्फ्यूजन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है कि सैमसंग का M31 प्राइम ले, सैमसंग का F41 ले या फिर सैमसंग का M31 ले, क्योंकि इन तीनों ही स्मार्टफोन के बीच में सिर्फ 500 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंट है। और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज यहाँ पर होना चाहिए। मैं आप लोगों को सिंपल बताऊंगा, ना आपको सैमसंग का M31 बाय करना चाहिए, ना आप लोगों को सैमसंग का F41 बाय करना चाहिए। आप लोगों को डायरेक्टली सैमसंग का M31 प्राइम ले लेना चाहिए, क्योंकि M31 और M31 प्राइम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही स्मार्टफोन है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। और F41 से तो अच्छा ही है, क्योंकि सैमसंग के M31 प्राइम में आप लोगों को क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है, जो डिस्प्ले है, वो सेम है सैमसंग के M31 से, लेकिन आपको कुछ नए कलर वेरिएंट यहाँ पर मिलने वाला है। डिस्प्ले साइज़ आप लोगों को सेम वही मिलेगा जो आप लोगों को M31 में मिलता है, 6.4 इंचेस का 1080p सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन्फिनिटी यू शेप में वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिल जाएगा, एक्जिनोस का 9611, 64MP का क्वाड कैमरा का सेटअप, 32MP का आप लोगों को सेल्फी मिलेगा, 6000mAh की बैटरी, 15W का चार्जर, जो नॉर्मल स्पेसिफिकेशन है वो सेम है जो सैमसंग के M31 में है। प्राइसिंग निकल के सामने आ चुका है। जो कलर है वो थोड़ा यहाँ पर अच्छा लग रहा है, एक नया कलर सैमसंग ने आप लोगों को दिया है। डेफिनेटली कलर ही एक नया है, बाकी कुछ भी नया है नहीं है, बस नाम और कलर छोड़ के आप लोगों को इस स्मार्टफोन में कोई भी नया फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। मे बी लॉन्च के बाद सैमसंग लॉन्च के टाइम में दे दे, लेकिन अभी तक जो स्पेस यहाँ पर निकल के सामने आया है, जो आउट हुआ है स्पेस, उसके हिसाब से सेम वही है जो रीब्रांडेड कर रहा है। बस मार्केट में लगना चाहिए कि सैमसंग का एक नया स्मार्टफोन आया है। सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम में मुझे लग रहा है कुछ ऐसे फीचर्स वो लोग दे सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। मे बी सैमसंग यहाँ पर नॉक सिक्योरिटी दे सकता है, क्योंकि सैमसंग अभी अपने एम सीरीज में लेटेस्ट में दे रहा है, या फिर नहीं भी दे सकता है। मे बी कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो सैमसंग के M31 से M31 प्राइम में आप लोगों को ना देखने को मिले। सिंगल टेक वगैरह देखते हैं कि क्या क्या सैमसंग यहाँ पर देता है, लेकिन 16,500 रुपीज़ में सैमसंग का M31 प्राइम एक बेहतर डील लग रहा है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले 16,500 रुपीज़ में देना, 6GB 64GB सैमसंग का एमोलेड डिस्प्ले, सैमसंग का 64MP का क्वाड कैमरा का सेटअप, 32MP का सेल्फी, तो सैमसंग के नज़र से अगर आप लोग देखें तो फ़ोन अच्छा लग रहा है। लेकिन देखते हैं कि लोगों को ये स्मार्टफोन पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये जो स्मार्टफोन है ये आने वाले मंगलवार तक शायद लॉन्च हो जाएगा। मे बी 20 या फिर 22 तारीख के आसपास ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। तो आप लोग क्या सोचते हैं M31 प्राइम के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।